में आपका स्वागत है। आत्मचिंतन के सर, जीवन की सर्वोपरि सफलता इसी बात में है कि मनुष्य अपने लिए सम्माननीय स्थिति प्राप्त करे। संसार से धनी निर्बल विद्वान मूर्ख बलवान सभी को एक दिन जाना पड़ता है। वह जो कुछ धन दौलत वैभव भूति सुख दुख उपार्जित करता है सब यही इसी संसार में छूट जाता है। साथ ही यदि कुछ जाता है तो जाती है वह शांति अशांति सुख दुख श्रेष्ठता निकुष्ठा। जो मनुष्य के कर्म के अनुसार आत्मा में संचित होती रहती है भाग्यवादी वह है। जो स्वयं अपने में विश्वास नहीं करता वह सदा दूसरों की सलाह का ही मुहताज बना रहता है। जैसे उचित अनुचित दूसरे लोग सुझा देते हैं वह वैसे ही मान बैठता है। अपनी मौलिकता और अपने विवेक को वह काम में नहीं लेता जैसे किसी दूसरे ने उसे दे दिया वह वैसे ही स्वीकार कर जाता है। किसी व्यक्ति की उपासना सच्ची है या झूठी उसकी एक ही परीक्षा है कि साधक की उन्नतिमा में संतोष प्रफुल्लता आशा विश्वास और श्रद्धावन का कितनी मात्रा में अवतरण हुआ। यदि यह गुण नहीं आए हैं और हीन वृत्तियां उसे घेरे हुए हैं तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति पूजा पाठ कितना ही करता हो उपासना से दूर ही है। बड़े बड़े उपदेश व्याख्यान भाषण आदि का समाज पर प्रभाव अवश्य पड़ता है किंतु वह क्षणिक होता है। किसी भी भावी क्रांतिक सुधारक रचनात्मक कार्यक्रम के लिए प्रारंभ में विचार ही देने पड़ते हैं किंतु सक्रियता और व्यवहार का संस्पर्श पाए बिना उनका स्थायी और मूर्त रूप नहीं देखा जा सकता। पंडित श्रीराम शर्मा।